अध्यक्ष महोदय, ये विषय बड़ा गंभीर है और पहले भी पिछले जब हमारा सेशन हुआ था उस टाइम भी ये उठा था और मैंने इस बात को उठाया था। मुख्यमंत्री का जवाब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उन्हें क्या कहा था। आज यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी पे जिस प्रकार से आप प्रहार करना चाहते हैं, ये शिक्षा के हित में नहीं है। ये आपको HPSC को दे रहे हो आप, HPSC का क्या हाल है सबको, सारी हिंदुस्तान को पता है अटैचियों में बंद हो है तुम्हारी, अटैचियों में बंद है तुम्हारी ये नौकरियां। SSB का ये हाल है चेयरमैन, लेकिन इस बात के तो बाद में आएंगे। इन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन मंजूर कर रखा है मंडे को मेरे ख्याल में, और उसमें समय आप जरूर निश्चित करेंगे, 2 घंटा या 3 घंटे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का जवाब पूछ। मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी, ये आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों के 24/8 का आप निकालें, मुख्यमंत्री जी का टेप निकालें, जवाब मुझे 24/8 का है ये, उसमें यूनिवर्सिटियों के एडमिशन और सिलेक्शन HPSC और SSC नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री जी कहने का जवाब दिया नहीं करेगा, वो तो अपने जो बिल लेके आए थे उस टाइम नकल के खिलाफ, उस समय मैंने कहा था जब यूनिवर्सिटी को, तो उसके जवाब में ये कहा है उन्होंने, आप देख सकते हैं इसको। और ये जो आप जो लेके आए ये UGC की गाइडलाइन के भी विरोध में है, और ये जो राष्ट्रीय एजुकेशन नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके भी विरोध में है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आप ऑटोनॉमी जा रहे थे, आप तो कॉलेज तक जा रही है ऑटोनॉमी देने के लिए, आप यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खींच रहे हो और ऐसी संस्था को दे रहे हो जो मतलब अब मैं क्या कहूँ, वो तो बता देंगे, सबूत दे देंगे, पूरे अखबार पूरे देश में जो पड़ा हुआ है अटैचियों में जो नोट बने हुए, यही काम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटियों में, आप यही काम करना चाहते हो। मेरा आपसे अनुरोध है इसको तुरंत वापिस लो, नहीं तो कोई सारी यूनिवर्सिटी वाले सारे यूनिवर्सिटी हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटियां सब उसके ऊपर विरोध कर रहे हैं। और आप देखें सब सड़कों पे आएंगे, जिस तरह किसान के कानूनों में आपके मुंह की आपको मुंह की खानी पड़ी, इसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी आपको। वक्त है, हम भी इस बात का विरोध करेंगे, डट के करेंगे। वक्त कह रहे हैं ये आप तुरंत वापिस लो, यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी को मत छेड़छाड़ करो। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे से अच्छे उनके प्रोसीजर है, अच्छे अच्छे वो होते हैं। आप किसके भरोसे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, किसके भरोसे कर रहे हो आप यूनिवर्सिटियों को? यूनिवर्सिटी के भरोसे रहने दो, कानून बने यूनिवर्सिटी में, के भी अपने सिलेक्शन के रूल्स हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनकी रूल्स हैं। आपने लिख दिया, ये चिट्ठी लिख दी वहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से 15 दिन में, आप ये लिख के तो 15 दिन में आप बिल्कुल मतलब अपना वो कब्जा करना चाहते हो। ऑटोनॉमी रहने दो, नहीं तो ये देश के हित में नहीं है और देश में कहीं नहीं है। 1-2 स्टेट को छोड़ के जहाँ का आप उदाहरण ले रहे हो मेरे को मालूम है, वहाँ ये नहीं है। आप उड़ीसा का मामला दूसरा है, बिहार का दूसरा है, ये हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कहीं भी एक दिखाओ ऐसा है ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी की छेड़छाड़ हुई है पूरे देश में, कहीं नहीं हुई। आप बराए मेहरबानी, मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ, ये तुरंत वापिस लो, ये प्रदेश के हित में नहीं है, यहाँ के जो विद्यार्थी उनके हित में नहीं है, यहाँ के टीचर्स हैं उनके हित में नहीं है। ये एक अलग से लूट की दुकान खोलने का प्रयास हो रहा है, ये हम नहीं खुलने देंगे, कभी नहीं खुलने देंगे, हम नहीं खुलने देंगे। तुरंत वापिस लो मेरा, पहले तो HPSC की जज के द्वारा इंक्वायरी तो होने दो, तह तक तो जाने दो क्या है HPSC, जिसके आप हवाले कर रहे हो हमारे बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य उनके हवाले कर रहे हो जिन्होंने लूट बचा रखी है। मेहरबानी करो इस हरियाणा पे, दया करो इन विद्यार्थियों पे, ये तुरंत वापिस लो। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई विरोध नहीं करता कभी, लेकिन मैं तय की और दिल की बात कह रहा हूँ, ऐसा काम मत करो जो हमारे हरियाणा के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए। जिसका आप ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी आज से बनी है, अंग्रेजों के टाइम में भी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी थी, हमारे सब अब तक ऑटोनॉमी है, तो उसकी ऑटोनॉमी को मत छेड़ो आप। और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ कहा, ये कहा हुआ है मेरे को, हम ऑटोनॉमी में कोई दखल नहीं देंगे, फिर आज ऑटोनॉमी में क्यों दे रहे हो आप? आपकी हैसियत से एग्जाम ले रहे हो उनका, आपकी हैसियत से सिलेक्शन कर रहे हो उनके, जब मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अश्योरेंस दी मैम, ये आप निकलवा के देख लो।
निकलवा के देखो 24-8 कोई टूट नहीं था पिछले सेशन की बात, जब नकल का हुआ है तो आज इतनी क्या जल्दी हो गई, मतलब 3-4 महीने में ही आपका विचार बदल जाता है। ऐसा काम मत करो, इस प्रदेश के हित की रक्षा करो, इसके जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य उज्ज्वल होने दो। इससे यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ना प्रदेश के हित में है, ना विद्यार्थी के हित में है, ना टीचर्स के हित में है। यही मेरा बार बार मुख्यमंत्री से आगे है, मुख्यमंत्री जी बार बार मेरा इनसे सरकार से ये अनुरोध है, इसको तुरंत वापस ले, बाद में विचार करेंगे। कोई बात नहीं, धन्यवाद डॉक्टर साहब। भारतभूषण बत्रा जी, नहीं आपने तो प्रस्ताव रख दिया, उसकी सप्लीमेंट्री जो बाकी के लोग हैं वो लेंगे। आपका प्रस्ताव है जो, नहीं नहीं आपका भी है, मैंने लिखा, नाम लिख रहा हूँ, पहले यही कर रहे हैं जी। ये ऐसा है ना कि एक प्रस्ताव आपने पढ़ दिया, उसके बाद जो दूसरा प्रस्ताव है हमने उसको उसके साथ जोड़ा है, और दूसरे प्रस्तावक हैं श्री भारतभूषण बत्रा जी, और बत्रा जी पूछेंगे सप्लीमेंट्री, फिर तीसरा प्रस्ताव है अभय सिंह चौटाला जी का, वो पूछेंगे। आपने तो अपना जो इसके ऊपर चर्चा नहीं है, इसके ऊपर देखिए काला टेंशन मोशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, आपने सिर्फ प्रस्ताव पढ़ना है। मैं रूल्स एक मिनट रूल्स लिखा जरा देख, काला टेंशन मोशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, आप रूल्स के मुताबिक करिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। हाँ फर्स्ट सिग्नेटरी है तो उनका, उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा। हाँ देखिए मैक्सिमम फाइव है, हाँ तो उन्हीं से पूछेंगे ना। आपने तो प्रस्ताव रखा है, कमाल कर रहे हो, दिखाओ जरा। मैं पढ़ रहा हूं, एक पढ़ लो, मैं पढ़ रहा हूं। ए मेंबर, एक मिनट, जो कानून के मुताबिक होगा वही होगा, उसके फालतू बाहर नहीं होगा। मैं पढ़ के बता रहा हूं, कॉलिंग अटेंशन मोशन टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रूल 73(1)(a) मेंबर में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्पीकर call the attention of a minister to any matter of urgent public importance and the minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour, provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than 250 words. There shall be no debate on such statement. Sun lijiye zara. There shall be no debate on such statement at the time it is made, but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the speaker, ask a question. Main abhi bata, aapne to move kiya. Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only, and he alone shall be allowed to read the notice. Aapne pad diya notice. Notices for a sitting received 1 hour before the commencement of the, ये तो उसके लिए है। आपने नोटिस पढ़ दिया है, बाकी के जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दिस इज एज पर रूल्स। नहीं मैं, नॉट परमिटेड। यू हैव पुट अप योर क्वेश्चन। आपने अपना जो कॉल अटेंशन मोशन आपने पढ़ करके सुना दिया, आपने कर, हाँ तो आपने, तभी मैंने आपको बोलने का अवसर पहले दिया ना। अगर फर्स्ट सिग्नेटरी थे तभी आप, आई विल नॉट अलाउ। बत्रा जी बोलिए, आप बत्रा जी, आप कॉल अटेंशन मोशन, बत्रा जी का नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आज कोई रूल्स नहीं होते हैं, ये गलत बात, आप बैठ जाइए वहां पर। हाँ बिल्कुल मैं करूंगा, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं आपको नहीं, देखिए आप, मैं सप्लीमेंट, हाँ देखिए मैं रूल्स के मुताबिक मैंने पढ़ करके आपको बता दिया, आपने पढ़ दिया है। आप प्लीज, मैं नेम करूंगा फिर बाद में, नहीं फिर बाद में मत कहना कि मैं पूरे सेशन के लिए नेम करूंगा। नहीं आप, दिस इज नॉट द,
आप रूल्स को तोड़ करके चलेंगे? नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा बिल्कुल भी। नहीं, नहीं, बाकी के जो लोग हैं वो कुछ नहीं जानते, आपको ही सारी नॉलेज है स्पीकर। बाकी के जो जिन लोगों ने बाकी लोगों ने भी तो हाँ, तो मैंने तभी आपको पढ़ने के लिए बोला है, और इसमें लिखा हुआ है कि रीड नहीं पूछने देंगे, क्योंकि अगर नॉट मोर देन फाइव, अगर आप 20 लोग लिख करके भेजेंगे तो 20 लोगों को थोड़ी अलाउ करेंगे, जो रूल्स के मुताबिक अलाउ करेंगे। She is the first signatory and why she should not be allowed? I have allowed already. This is notice only. No asking the question. It is only. चलो, अगर आप अच्छी तरह पढ़े हैं, एक क्वेश्चन पूछने का उसका अधिकार है। नहीं, खाली नोटिस पढ़ने के बाद ये नहीं है। हाँ, no ban on asking question। नहीं नहीं, अगर already मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। One question she has got right. I will can ask one question. You ask. पहले बत्रा जी बोलेंगे, फिर उसके बाद अभिषेक सर, उसके बाद कौन करेंगे? हाँ ठीक। Honorable Speaker sir, I will not allow. Honorable Speaker sir, I'll speak about the parliamentary practice also. This is not only meticulously we have to go according to the rules. Although rules are to serve the justice, but not to defeat the justice. But not to defeat the justice. Only thing is that. नहीं नहीं अलाउड, मैं बताता हूँ ना कि ऑलरेडी अलाउड एवरीबॉडी, मैं बताता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। ऐसे है जी कि 173 जो रूल है, इसकी इंटरप्रिटेशन में एक्चुअली दिस इज, देखिए बत्रा जी, इंटरप्रिटेशन मैंने करनी है। सबमिट तो कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री पूछिए ना। वर्ड इज, देयर इज नो डिबेट। हाँ, वर्ड इज, डिबेट क्या होती है? हाँ।